अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप्स एंड बहुत ही अच्छे आइडियाज़ देने वाली हूँ। तो चलिए, जूली किचन हिंदी में आपका स्वागत है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 kg का सूजी लिया है। सूजी मैंने बारीक वाली यूज़ की है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। पहले तो एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई हमने गरम कर लिया है यहाँ पे, और इसमें लेंगे हम 1/4 कप देसी घी। तो यहाँ पर आपको देसी घी ही यूज़ करना है और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम डाल देंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1/2 kg सूजी डाल दिया है। आप यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 kg ही बनाकर दिखाया है आपको। तो यहाँ पर हम सूजी को कंटिन्यू इसी तरीके से मिक्स करते हुए इसको ब्राउन फ्राई कर लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए भी फ्राई करना है, नहीं तो नीचे से जल सकता है। तो यहाँ पर हमारा सूजी जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम बेबी के फूड की तैयारी करेंगे इससे, तो आप इतना ही ब्राउन रखें इसको। तो अब हम चलते हैं, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से फैलाकर पंखे के नीचे या तो ठंडा कर लेंगे, या तो आप ऐसे भी आधा घंटा छोड़ दीजिए इसको, तो ये ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो अब हम ठंडा कर लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर मेरा सूजी जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम रख देंगे इसको एयर टाइट कंटेनर में। तो आप सूजी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कंटेनर लें और उसमें आप इसको स्टोर कर दें। तो मैंने यहाँ पर सारी सूजी को इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारी सूजी इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सूजी को फ्राई करके हम महीनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हम बच्चे का फूड की तैयारी करेंगे तो मैं इंस्टेंट इस फूड को बनाकर दे सकती हूँ अपने बच्चों को। तो इस तरीके से आप स्टोर करें इसको। और अब हम इंस्टेंट बेबी के लिए फ़ूड कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे, पानी उसमें लेंगे लगभग 1 ग्लास, पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और अब हम लेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, वैसे तो बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो आप 2 चम्मच चीनी ले लें। और यहाँ पर लेंगे हम 2.5 चम्मच सूजी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून सूजी डाला है, ये देखिए। और सूजी लेने के बाद इसको हम मिला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में ये अच्छे से उबल चुका है। इसको हम कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे। और अब हम ले लेंगे इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर, ये स्किप कर सकते हैं आप अगर आपको नहीं देना है तो। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट में ये बेबी के लिए हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम लास्ट में 1/2 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे इसमें। लास्ट में घी डालने से हलवा का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, और आपके बच्चे जो नहीं भी खाना चाहते ना वो भी खाना इसको शुरू कर देंगे। तो लास्ट में घी ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है आपके लिए। तो ये हमारा बेबी के लिए हलवा बनकर रेडी हो चुका है इंस्टेंट। तो ये हमारा इंस्टेंट बेबी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। जैसा कि आपको पता है हलवा बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। छोटे बच्चे अगर हलवा खाना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप इस हलवा की रेसिपी को मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में दीजिए बनाकर दूध पीने के बाद, या फिर आप शाम के स्नैक्स में बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी फूड है। तो यहाँ पर आपके लिए 2-3 टिप्स है। एक टिप्स तो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ कि आप सूजी को लंबे टाइम तक फ्राई कर स्टोर कर रख सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है आपके लिए कि आप इसको 1 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तीसरा टिप्स ये है कि अगर आपका बच्चा भी लंबे टाइम तक सुसु करता है बेड पर, तो आप 3 महीने इस रेसिपी को बनाकर खिलाइए उसको, 100% रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। चौथा टिप्स ये है कि आपके लिए सबसे आसान है ये रेसिपी और बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी, तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज की टिप्स आइडियाज़ बेबी के लिए अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो बच्चे के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।